दिलों के वास्ते तलवार होना चाहिए, कौम का हर बच्चा को सालार होना चाहिए। मैं यहीं से स्टॉप करता हूं इसको, फिर इंशाल्लाह मेरी माँ बहनें काफी तादाद में आई हुई हैं, उनके हवाले से भी दो चार शेर पढ़ना है, वरना मेरी माँ बहनें कहेंगी कि जुब्बे वाले आए तकरीर करके चले गए, शेरवानी वाले आए वो भी तकरीर चले गए, पूरी रात तकरीर किए, लेकिन मेरी माँ बहनों कहेंगे कि हम लोगों के वास्ते कुछ नहीं। एक शेर पढ़ता हूँ इंशाल्लाह, बहुत तेजी के साथ अशफाक बहराइच तक पहुँचने की जसारत कर रहा हूँ। 23 फरवरी को बारियोल में भी जलसा है, आप सभी हजरात से शिरकत की दरखास्त है, आप लोग थोड़ा सा अगर इधर आ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, एक बादशाह था, वो बहुत जिद्दी थे, वो ये करते थे कि वो पैसा उधार तो देते थे, उसूलने का भी उनका एक रिकॉर्ड था, जब देते तो लेते भी है, और लेने वाला ऐसा था कि वो लेते हैं तो वो देते नहीं है, ये दोनों का रिकॉर्ड है, वो देंगे तो देंगे। असलम के नाम से 500 रुपए इनायत की अल्लाह कबूल फरमाए। इसी तरीके से उस बादशाह ने कहा कि मैं अगर पैसा वसूल नहीं करूंगा तो मेरा रिकॉर्ड टूट जाएगा, तो सिपाही को भेजता है रोजाना, आजकल करता है, तो बादशाह को गुस्सा आ गया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर को जब उनको बादशाह को जब गुस्सा आ गया, बोला कि चलो उसके घर में, तो उसके घर में जब गया तो वो आदमी अब कह रहा है, उसकी बीवी कह रहा है कि आप कहां भागोगे, तुम पैसा लेके खा के बैठ गए, सबका खा के खाली बैठे जाना चाहते हो। बातिलों के वास्ते तलवार होना चाहिए, बच्चा बच्चा कौम का सालार होना चाहिए, बाप दादा की कमाई पर न इतराना कभी, कौम का हर फर्द को खुददार होना चाहिए, कौम का हर फर्द को खुददार होना चाहिए। बेसबब साहिल पे बैठे रो रहे हो क्यों शफीक, बेसबब साहिल पे रो रहे हो क्यों शफीक, अब तलक तो तुमको समंदर पार होना चाहिए, अब तलक तो तुमको समंदर पार होना चाहिए। बड़े ही अदब के साथ अशफाक बहरा।